फ्रेंड्स वेलकम टू ए सी एस यूर एजुकेशन इंटर फ्रेंड आज के सेशन में हम बात करेंगे गोवा स्टेट के बारे में हम जानेंगे गोवा में नंबर ऑफ एम बी बी एस सीट और रिक्वायर्ड नीट स्कोर के बारे में शुरुआत करते हैं गोवा की स्टेट के बारे में गोवा के छोटे से मैट्रिक्स को देखते हैं पहले लास्ट ईयर दो हज़ार अट्ठारह में गोवा में से लगभग तीन हजार तीन सौ अड़तीस बच्चे थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी एट स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जामिनेशन दिया एंड फाइनली वेन द रिज़ल्ट केम आउट जब रिज़ल्ट आया तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी एट परसेंट स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो गोवा में अगर ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एट ओनली अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड लास्ट ईयर तो इस बार भी अगर हम नाइनटीन का भी डाटा देखते हैं थोड़े नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं लगभग सवा दो लाख स्टूडेंट्स बढ़े हैं पूरे डाटा के अंदर पूरे इंडिया के अंदर बट इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली गोवा में से दो हज़ार या दो हज़ार से कम स्टूडेंट्स होंगे जो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और इसमें अगर हम बात करते हैं जो सबसे फेमस प्रोग्राम आज की डेट में चलता है वो मॉडर्न मेडिसिन का एम तो एम का गोवा के अंदर फ़िलहाल अभी एक ही मेडिकल कॉलेज है जो कि गोवा के कैपिटल पणजी में है जिसका नाम है गोवा मेडिकल कॉलेज इसके अंदर टोटल आपका 150 सीट्स हैं ये कॉलेज आपका गोवा से रिकगनाइज है और 1963 में ये कॉलेज फाउंड हुआ था काफ़ी पुराना और अच्छा मेडिकल कॉलेज है पीजी की भी काफ़ी अच्छी सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर तो 150 सीटें हैं एमबीबीएस की इस कॉलेज के अंदर और इस वन सीट्स में से अगर आप देखते हो तो ट्वेंटी सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए है जिसमें इंडिया के अदर स्टेट के बच्चे काउंसलिंग कर सकेंगे फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा की और इसमें एडमिशन ले सकेंगे और रिमेनिंग आपकी वन ट्वेंटी एट सीट्स रहेंगी आपके स्टेट कोटा के लिए जो कि उन बच्चों के लिए रहेंगी जो गोवा के लोकल स्टूडेंट हैं जिनके पास वहाँ की डोमेसाइल है तो इस पर अगर हम अलॉटमेंट देखते हैं तो ऐसे बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गोवा में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस प्रोग्राम के अंदर इसके लिए आपको लगभग फाइव फिक्सटी के आसपास का स्कोर होना चाहिए इन ऑर्डर टू टेक द एम प्रोग्राम इन द गोवा और अगर आप जो बात कर तो एट्टी सीट्स की जो कि रिमेनिंग सीट है जिसकी काउंसलिंग डी एम कराता है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गोवा कराएगा 85% सीट्स वन ट्वेंटी एट सीट तो इसमें आपका जो कितना कट ऑफ रहेगा इसका कट ऑफ आपका देखते हो तो ये आपका कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज बटा हुआ है जनरल वाले स्टूडेंट के लिए अगर आपका स्कोर फोर हंड्रेड का या थ्री हंड्रेड का थ्री सेवेंटी का स्कोर है इवन थ्री सिक्सटी के आसपास पे भी आपको जनरल कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा काफ़ी लोअर कट ऑफ है इस कंडीशन में अगर आपके पास ऑप्शन है ऑल इंडिया कोटा का या गोवा का तो ऑल इंडिया कोटा में आप देख रहे हो कि जहाँ पे एक साइड 550 के अबव सीट मिल रही है यहाँ पे हमको रबोट 36370 पे सीट मिल जाएगी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ गोवा फॉर द जनरल स्टूडेंट अगर आप बात करो तो ओबीसी के बारे में तो ओबीसी को भी लगभग आपका 300 या 290 या 280 तक आपको है एंसन है कि फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स कैन गेट द एडमिशन इन द गोवा मेडिकल कॉलेज एस में आपका कट ऑफ लगभग 200 तक जा सकता है सो so, अगर आपका स्कोर 220, 230 टू थर्टी या अराउंड टू है तो यू कैन ईजीली गेट द एडमिशन इन द एस सी कैटेगरी इन और एडमिशन इन द एम प्रोग्राम और एस की अगर आप बात करते हो शेड्यूल ट्राइब की बात करते हो तो शेड्यूल ट्राइब का भी लगभग आपका 240 250 का एक कम्फर्टेबली स्कोर रहेगा जिस जिसपे आप एम कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो गोवा स्टेट के बारे में तो ये थे गोवा के कट ऑफ के बारे में जहाँ पे हमने देखा लाइक ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ पाँच के आसपास रहेगा और स्टेट में जनरल वाले बच्चों का जिसका स्कोर थ्री के आसपास भी है वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकेगा इन द ईयर ट्वेंटी पदन नीट एडमिशन इसके अलावा आपका जो गोवा गौ, मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर वी की भी सीट है बी की भी काउंसलिंग होगी वी में ऑल इंडिया कोटा पर अगर आप देखते हो तो फ़ाइव के प्लस पे आपको इसमें सीट मिल सकती है फॉर जनरल स्टूडेंट और अगर आप स्टेट कोटा में देखते हो तो 340 के आसपास आपको सीट मिल सकती है इसमें अगर गोवा में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका स्कोर 250, 200 या 300 के आसपास आता है और आप उसके बाद भी एम बी बी एस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अदर स्टेट में या दीन यूनिवर्सिटी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और उसमें आपकी जो नॉर्मल फ़ीसेस रहती हैं टेन लैख्स एलेवन लैख टूल्व लाख रुपीज़ वो आपको देनी रहती है तो आप बाहर की भी काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हो और अगर आपके पास हायर फीसेस नहीं है एम प्रोग्राम के लिए तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि अगर आप देखते हो तो बी एस एल पी कोर्स में काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास बी एम एस में बी एच एम एस में अदर कोर्सेज हैं डेंटल साइंस के कोर्सेज हैं जिसमें ऑन द लोअर फीसेज ऑल्सो यू कैन टेक द एडमिशन इन द वेरियस अदर कोर्सेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड बिकम अ डॉक्टर एंड आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो सो दिस इज़ ऑल अबाउट गोवा माई डियर फ्रेंड्स और आप इस चैनल को सब्सक्राइब सक, कर सकते हो अगर पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हो जिससे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी डेट हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग इन द ईयर 2019 इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल से रिलेटेड आपको सारी इफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग है तो अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ साथ भी शेयर करिए जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग यू वैल्यूबल टाइम और उसके बाद अगर आपको काउंसिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है दैन एड कंडीशन यू कैन ऑल्सो अवेल द सर्विसज ऑफ ए वी आर द लाइक मेंटर्स ऑफ द नीट काउंसलिंग इन इंडिया सो वी वीज टू गाइड द स्टूडेंट एट हाउ टू गो फॉर द काउंसिलिंग इन ऑर्डर टू गेट द हंड्रेड परसेंट So thank you very much friend for your available time keep smiling keep studying keep understanding nothing will increase the level of your brain friends